हेलो एंड वेलकम टू कोरोना स्टडी पॉइंट। कोरोना स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनीता और ये लोकसभा के प्रश्न पर थर्ड वीडियो है। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा कैन बी, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी गई है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पे वर्तमान में जो सदस्य हैं उनकी बात नहीं करी गई है। वर्तमान में हमारे पास 545 सदस्य हैं जिनकी बात नहीं करी गई है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही हट गया। अब हमें देखना होगा इसके लिए जो हमारे लोकसभा का कंपोजिशन है, जो उसका संगठन है, उसके बारे में देखना होगा। तब हम बात करेंगे आर्टिकल 81 की। आर्टिकल 81 कहता है, जो हमारा आर्टिकल 81 है ये कहता है कि 530 सदस्य, 530 सदस्य जो होंगे ये हमारे 29 स्टेट से आएंगे, 29 राज्यों से आएंगे जो कि इलेक्टेड मेंबर होंगे, और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। ओके, जो ये 20 सदस्य हैं ये यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, ये भी इलेक्टेड होंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा आर्टिकल 331 है वो ये कहता है कि दो मेंबर जो होंगे ये नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये आंग्ल भारतीय समुदाय के, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 530 और 20 जो सदस्य हैं इन्हें अगर हम मिला दें तो वो जाता है 550, और ये हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं। ओके, जो कि राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो दो मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अगर हम इन्हें भी जोड़ दें तो हमारे पास हो जाते हैं 552 सदस्य। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो या तो 550 होगा या फिर 552। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 550, इसका मतलब हुआ हमारा आंसर हुआ 550। इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही काउंट किया है। 530 और 520 जो इलेक्टेड मेंबर थे उन्हें ही काउंट किया गया है, दो जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं इन्हें काउंट नहीं किया गया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया सी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यूनियन टेरिटरीज जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पर है, लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। जब हम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। ओके, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हमने बात करी आर्टिकल 81 की, क्योंकि इसके लिए हमें देखना होगा कि कहाँ पर कितने जो है कहाँ कहाँ से मेंबर आते हैं। तो हमने बात करी आर्टिकल 81 की, जिसमें हमने लोकसभा की बात करी। हमने देखा कि यहाँ पर जो 530 सदस्य हैं ये 29 राज्यों से आते हैं, और जो हमारे 20 सदस्य हैं ये हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। इसके अतिरिक्त जो दो सदस्य हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो हमने यहाँ पर देखा जो 20 सदस्य हैं ये यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं, यूटी से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरीज का लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है। अब एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमें बात करनी होगी राज्यसभा की। तो जब हम राज्यसभा की बात करते हैं उसके लिए हमें देखना होगा हमारा जो आर्टिकल 80 है, अनुच्छेद जो 80 है। राज्यसभा में जो 250 सदस्य होते हैं अधिकतम, अब इनमें भी कैसे, देखिए जो हमारा अनुच्छेद 80 है इसके दो सब क्लॉज भी हैं बी और ए। इनमें क्या कहा गया है, बी कहता है कि 238 जो मेंबर होंगे राज्यसभा के ये आते हैं हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, जो हमारी यूटीज हैं, और इसके अतिरिक्त जो 12 मेंबर होते हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया, हमें यहाँ पर बात करनी है यूटीज़ की, यूनियन टेरिटरीज़ की। तो हमने यहाँ पर देखा कि यूनियन टेरिटरीज़ का राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्व होता है। हालाँकि वो बात अलग है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये 7 हैं, इसमें से सिर्फ 5 यूनियन टेरिटरीज़ का ही, 5 जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनका रिप्रेजेंटेशन जो है
राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा में सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन है जो कि दिल्ली और पांडिचेरी हैं। दिल्ली की 3 सीट्स हैं और पांडिचेरी की एक टोटल मिलाकर 4 सीटें हैं। ओके, अब यहाँ पर ऐसा है क्योंकि जिन राज्यों की विधानसभाएं होती हैं राज्यसभा में उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होता है, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि दिल्ली और पांडिचेरी के पास है और इन 5 के पास नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी जो यूटीज हैं इनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी है तो लोकसभा और राज्यसभा में हो गया, मतलब संसद के दोनों सदनों में इनका रिप्रेजेंटेशन है। आंसर हो गया हमारा सी, हमारा आंसर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हालांकि इन सारी बातों को जो हमारा लोकसभा का वीडियो है उसमें डिटेल में इनकी चर्चा की गई है, आप वहां से इन्हें देखकर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में द टर्मिनेटेड बाई, लोकसभा की जो बैठक है उसको समाप्त किया जा सकता है कैसे, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा। यहाँ पर ये बातें कही गई हैं। ओके, तो जब हम स्थगन की बात करते हैं तो जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनके पास लोकसभा की जो सिटिंग्स होती हैं उसको स्थगित करने का राइट होता है। जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ये लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये लोकसभा की का संचालन उसकी बैठकों को देखते हैं, शांति व्यवस्था इत्यादि को देखते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। तो इनके पास एक ये राइट होता है कि जो लोकसभा की सिटिंग्स होती हैं, जो दैनिक बैठकें होती हैं, ये उसका स्थगन करते हैं, उसको स्थगन के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है वो लोकसभा की बैठकों को स्थगन के द्वारा समाप्त कर सकता है। अब हम बात आती है सत्रावसान की, मतलब प्रोरोग्रेशन की बात आती है और विघटन की बात आती है। तो इसके लिए हमें देखना होगा हमारा आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 क्या कहता है। अब जो हमारा आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 है इसके दो सब क्लॉज भी हैं, ए और बी। हालांकि ये सब क्लॉज वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसे समझ रहे हैं इसलिए इनकी बात करेंगे। देखिए, तो ए में ये कहा गया कि संसद के जो दोनों सदन को लोकसभा या राज्यसभा, उनमें से किसी भी सदन का जो है हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो सत्रावसान के द्वारा उनकी बैठक को समाप्त कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ से ये निकली कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा या राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कर सकते हैं। सत्रावसान मतलब प्रोरोग्रेशन के द्वारा बैठक को राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है विघटन की, बी में विघटन की बात करी गई है। अब जब विघटन की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ हम बात करेंगे लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा हमारा अस्थायी सदन है और यही सिर्फ डिसॉल्व हो सकता है। राज्यसभा हमारा स्थायी परमानेंट सदन है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो बी में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि जो अध्यक्ष होते हैं वो स्थगन के द्वारा बैठक को समाप्त कर सकते हैं और राष्ट्रपति सत्रावसान और विघटन के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया उपरोक्त सभी, मतलब डी हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारी लोकसभा है उसके टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, इसमें ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्सटेंड करने की बात करी गई है कि क्या इसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति में इसके टाइम पीरियड को नहीं बढ़ाया जा सकता है। बी कहता है कि 6 महीने तक के लिए, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और सी कहता है आपात की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी कहता है आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें देखना होगा हमारा आर्टिकल 83 का क्लॉज 2। आर्टिकल 83 का जो क्लॉज 2 है इसका एक परंतुक भी है। इस परंतुक में क्या कहा गया है हमें ये देखना होगा। इसमें कहा गया कि जो हमारी लोकसभा है इसके टाइम पीरियड को एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक बार में आप 1 साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं इसके टाइम पीरियड को। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है, कहा गया कि जब आपात की घोषणा होती है, इमरजेंसी चल रही होती है, इमरजेंसी की घोषणा करी गई है, उस दौरान लोकसभा के टाइम पीरियड को 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक तो ये इसमें बात कही गई, दूसरी बात ये भी कही गई कि जो लोकसभा का ये टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, जैसे ही ये इमरजेंसी, ये आपात की घोषणा समाप्त हो
जाएगी। ये बढ़ाया गया जो टाइम पीरियड है 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, 6 महीने से ज़्यादा ये टाइम पीरियड नहीं बढ़ सकता। इमरजेंसी की उद्घोषणा ख़त्म होने के बाद ये टाइम पीरियड 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। यहाँ से हमने दो बातें देख ली कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी इमरजेंसी की घोषणा के दौरान, और इमरजेंसी की घोषणा ख़त्म होने के बाद ये 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। अच्छा, जो हमारे यहाँ पर 3 बार नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, लेकिन जो टाइम पीरियड है इसे बढ़ाया गया है 1 बार। 1975 में इस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया, 1975 से 76 तक इस टाइम पीरियड को बढ़ाया गया। नेशनल इमरजेंसी चल रही थी 1 वर्ष के लिए। ओके, अब नेशनल इमरजेंसी अभी भी नहीं ख़त्म हुई थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड को 1 बार में सिर्फ 1 साल के लिए ही, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं, तो फिर से इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। तो इस प्रकार से 2 साल इसका टाइम पीरियड बढ़ गया था। ओके, तो 1 बार जो है आपका एक ये भी क्वेश्चन तैयार हो गया कि 1 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के टाइम पीरियड को बढ़ाया गया है 1975 में। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया है सी, कि 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपात की घोषणा के दौरान। अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे राज्य हैं इनका लोकसभा व राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा गया है, कि ये जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं राज्य, इनमें से कौन से राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। तो इसके लिए हमें देखना होगा कौन से राज्य की कितनी सीट्स हैं, कितने मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसके अनुसार हमें पता चलेगा कि किसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, जिसकी सीट्स ज़्यादा होंगी उसके रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ओके, लोकसभा में 80 हो गई, राज्यसभा में 31 हो गई। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा में 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की जो है लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, इसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं 80 और 31। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश है इसका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक है, राइट। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया ए। हालांकि इन सीट्स के बारे में जो लिस्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, क्योंकि ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर लोकसभा के लिए आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, और राज्यसभा की भी कर दी गई है। राज्यसभा की जब हम सीट की बात करते हैं तो जो हमारी अनुसूची 4 है, जो हमारी फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों के बारे में दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन डिस्कशन यहीं तक था। अगर आज की वीडियो ये आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।